वेलकम टू हैकर मास्क। आप सभी को पता है हम लैपटॉप लेते हैं तो काफी हमें डर लगा रहता है कि कोई हैक ना कर ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलना ढिमकाना, सब बहुत सब कुछ हम सोचने लगते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप अपने लैपटॉप को, हाउ टू सिक्योर योर लैपटॉप। बहुत बढ़िया टेक्निक मैंने इस वीडियो में बताया। इस वीडियो को पूरा देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित। यदि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं नंबर वन थिंग जिसमें कि आपको सबसे पहले आपके जो वेब कैम है फ्रंट पे, उसे आप उस पे टेप लगा दो, उसे ब्लॉक कर दो उस जगह को, ताकि कोई भी हैक करे तो आपका घर का या फिर आपके प्राइवेसी फुटेज वगैरह हैक ना कर सके। ये फिजिकल होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया, वैसे ही वो भी बिल्कुल इसी तरह काम करेगा। तो ये बहुत बढ़िया रीजन है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर टू की, जिससे आप अपने लैपटॉप को सिक्योर कर सकते हो। इनक्रिप्ट योर हार्ड ड्राइव। अपने हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट करके कर सकते हो, जिससे कि कोई भी जान नहीं सकता इसमें क्या है। इनक्रिप्शन फॉर्मेट में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि हाउ टू इनक्रिप्ट योर हार्ड ड्राइव, या फिर इस पे मैं एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा। ठीक, 2 से 3 दिन के अंदर मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो कि आपको कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। एड अ प्राइवेसी स्क्रीन। जो भी आप जो फ्रंट पे आप वॉलपेपर लगा रहे हो तो वो ज्यादा मतलब फोटोज वगैरह से भरपूर नहीं होना चाहिए, सिंपल सा नॉर्मल सा होना चाहिए। ये आपका बहुत बड़ा चीज है जिससे कि आप बच सकते हो। आपका लैपटॉप कहीं चोरी भी हो गया तो आपको फोटोज वगैरह देख के बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए आप अपने चीज को ये सिक्योर कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, सेट अ पासवर्ड। पासवर्ड आप आसानी से एक यूनिक सा पिन रख लो या पासकोड रख लो बहुत बढ़िया सा, ताकि डायरेक्ट आप खोलो तो डायरेक्ट वो पासवर्ड आए और टाइप करो, आप एक्सेस कर सकते हो आसानी से। अब बात करें स्टेप नंबर 5 की, बैकअप योर डाटा। आप कोई भी एक एक्सटर्नल गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉप बॉक्स करके कोई भी एक्सटर्नल सर्विस ले सकते हो, जहां से अपना बैकअप बना सकते हो। ये था 5वां। अब बात करते हैं छठे स्ट्रेटजी की, जिससे कि आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो, अपने लैपटॉप को बहुत ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। तो ये है अपडेट योर सॉफ्टवेयर। जो भी आप में डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है, जो भी काम की सॉफ्टवेयर है, उसे अपडेट करते रहो कुछ कुछ समय में, हफ्ते में, महीने में, जो भी अपडेट आए नोटिफिकेशन, उसे आप अपडेट कर दो। अब बात करते हैं अपने सिक्योरिटी के 7वें नंबर के पायदान की, तो इसे कहते हैं यूज अ वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका इस्तेमाल करके आप अपना पहचान सिक्योर कर सकते हो, अपना आईपी एड्रेस बचा सकते हो, अपने गवर्नमेंट से या फिर वहां के कोई भी हैकर वगैरह है उनसे आप सिक्योर कर सकते हो अपने आप को। एक स्पेशल पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जो कि वो आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता, क्योंकि आईपी एड्रेस जिसके पास चला गया वो आपके बारे में जन्म कुंडली निकाल देगा। अब बात करते हैं 8वें नंबर की ट्रिक की, सॉरी टेक्निक की, तो सेट अ फाइंडिंग लोकेशन। आपने लैपटॉप में जैसे कि गूगल फाइंड माई डिवाइस है, उसी तरह का एप्लीकेशन गूगल फाइंड माई डिवाइस का इस्तेमाल करके अपने लैपटॉप में इस्तेमाल करते हो, जिससे कि आपका करंट लोकेशन ट्रेस होते रहेगा। जब भी कोई डिवाइस चोरी हो तो आप आसानी से यहीं से आप कंट्रोल कर सको, देख सको कहाँ पे वो आपका डिवाइस चोरी होके गया है। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। अब बात करते हैं अपने लिस्ट के 9वें नंबर के स्ट्रेटजी की, एड एन एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करो, जैसे कोई वेल हिल वगैरह या फिर अवेस्ट वगैरह, किसी का भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करो, जिससे कि आप अपने आप को प्राइवेसी कर सकते हो। या फिर मालवेयर बाइट का इस्तेमाल कर लो, जैसे कि आपके लैपटॉप में कोई भी वायरस वगैरह अटैक नहीं होंगे ये इन्फॉर्म कर देगा आसानी से। या फिर क्विक हिल वगैरह का इस्तेमाल करो, जिससे कि आप अपने लैपटॉप को बहुत आसानी से सिक्योर कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने लिस्ट के 10th नंबर के स्ट्रेटजी की, जिससे कि आप अपने लैपटॉप को काफी ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। तो ये है, आप अपने लैपटॉप में साइड में एक छोटा सा एक स्लॉट होगा, उसे कहते हैं वहां पे पिन लगाने का एक जगह होता है, जिससे कि आप अपने लैपटॉप को लॉक कर सकते हो। तो जिसका जरूर इस्तेमाल करना, लैपटॉप लॉकर या इस तरह के कुछ नेट पर सर्च करना, वो आपको मिल जाएगा, ज्यादा नहीं 50-60 या 100 रुपए तक में अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा, जैसे कि आप लॉक करके सकते हो, आपका लैपटॉप कोई भी खींच के नहीं लेके जा सकता। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। बात करते हैं अपनी लिस्ट के 11th नंबर की, तो जिसमें कहा गया है आपने प्रोटेक्टेड पासवर्ड मतलब स्क्रीन सेवर पासवर्ड का इस्तेमाल किया करना। 11वें नंबर की, पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्क्रीन सेवर का आप इस्तेमाल करना। तो ये 11 नंबर, ये आखिरी नंबर था। अब ये सब स्ट्रेटजी का, इन सभी ट्रिक्स का आप इस्तेमाल करो तो आप अपने लैपटॉप को कभी भी अपने से दूर नहीं करोगे। ये बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक है, जिससे कि आप अपने लैपटॉप को बहुत ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। मेरे पास भी एक लैपटॉप है, उसे मैं करीब 3 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी अभी तक उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है। ये बहुत बढ़िया तरीके से मैं इसे मैनेज कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ 25,000-25,500 रुपए के आसपास मैंने लैपटॉप खरीदा था। मैं दिखा देता हूँ आपको।
ये है मेरा लैपटॉप, ये बढ़िया है, एचपी का मैंने खरीदा था, बहुत सस्ते में ले लिया, और इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से प्रोग्रामिंग भी मैं करता हूँ, साथ ही साथ अपने कॉलेज मेरा खत्म होने वाला है कंप्यूटर साइंस से, बीसी कर रहा हूँ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और साथ ही साथ ये कभी भी छोटा सा भी इसमें सर्विस मैंने करवाया, कहीं भी नहीं गया हूँ, घर पे टोटल चीज हो जा रहे हैं, हर एक चीज के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखो, हाउ टू यूज करके आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल का इस्तेमाल करो, ब्लॉग पढ़ो, और इसे बहुत सेफ रखो क्योंकि ये हमारी लाइफ है, क्योंकि यही सब चीज हमें जॉब दिलवाएंगी। तो ये सब टेक्निक का आप आसानी से अपने लैपटॉप को काफी ज्यादा सिक्योर बना सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, कुछ यदि बताना चाह रहे हो छोटे भाई समझ के नीचे कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत सपोर्ट की जरूरत है प्लीज, और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और यदि नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना करो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बस थैंक यू सो मच।